बड़े मैडम जी सर कौन छे लेडी फिंगर ओ झूले लाल सही अरे गाटा शू करे छे छोड़ हां छोड़ मरी गई बड़ी क्या हो गया उंगली तो चूसी अरे बाबा वड़ी जा जल्दी जाके डॉक्टर को पड़ोस से लेकर आ जा झूले लाल क्या हो गया इसको वड़ी आंखें खोलनी प्लीज आंखें खोल दे डॉक्टर डॉक्टर देखो इसको ए छोटू वड़ी डॉक्टर को बताया क्या हुआ था हाँ बता दिया भाई वड़ी लेडी को क्या हुआ डॉक्टर तुमने तो खून चूसने के चक्कर में एक लीटर खून पी लिया इनका कोई बात नहीं डरो मत मैंने सुई लगा दी है होश आ जाएगा जल्दी ठीक हो जाएगी नी अब इतना खून पिया तो टाइम तो लगेगा ना बड़ी जोश में ज्यादा खून पी गया नी रोका क्यों नहीं बड़ी सुनिए मैडम जी आप यहाँ पर नहीं आई हैं हाँ मैं नहीं हूँ ना और मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं और आपके मम्मी डैडी वो तो सुबह ही काम पे चले जाते हैं मतलब बिना माली का फूल बड़ी कुछ भी चाहिए हो ना तो व्हाट्सएप कर देना करूंगी ना मेरा कार्ड कुछ भी चाहिए हो मैसेज कर देना तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा व्हाट्सएप करोगी ना हाँ करूंगी बिना शर्माए करोगी तो मैं इंतजार करूँ सो टक्का अरे भूलना मत अरे करूंगी ना वरना फिर आ जाऊंगा जाओ ना बाय 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 सही कह रहा है यार मैं ट्राई करूंगा ए गौतम आ गई वो हे क्या काम है जस्ट फ्रेंडशिप आज तो बहुत मूड में लग रहे हो क्या पी कर आए हो बियर भी है स्ट्रॉन्ग तीन हाँ एक बात बताओ क्या मैं अच्छी लगती हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि तुम लोग क्या करते हो कैसे घूरते हो मैं सिर्फ दिखती ग्लैमरस हूँ लेकिन हूँ मैं बहुत क्रिमिनल टाइप की मुझसे पंगा मत लेना वरना मैं टांग तोड़ दूंगी इडियट्स कहीं के खतरनाक लड़की है कौन है यार इतनी रात को तकलीफ दे रहा है उठ जरा ए उठ तो ये देख ब्यूटीफुल लिखा है इतनी रात को किसने भेजा है आखिर इतनी हिम्मत किसमें आए आए अबे ओ बैटरी फुल लिखा है चुपचाप से सो जा ओके लगता है मैं नशे में देख नहीं पाया चलो सो जाते हैं अरे यार वो ऊपर है जल्दी चलना आना हाँ एक मिनट आई जस्ट कॉल यू बैक या वो रही वहाँ चलना आजा 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 चुपचाप हे तूने चार दिन से फोन क्यों नहीं किया ए एक हफ्ते से मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं आज दोपहर में भी एग्जाम है एग्जाम के टाइम व्हाट्सएप फेसबुक यूज नहीं करती एक हफ्ते से मोबाइल को छुआ भी नहीं है ये कोई बड़ी बात है क्या हम तो एग्जाम के टाइम बुक टच भी नहीं करते थे तुम पढ़ो या नहीं लेकिन मेरा ख्याल तो रखो क्या यार चार दिन हो गए ना कोई फोन किया ना ही मैसेज किया तुमने ठीक है वो सब छोड़ो अभी के लिए किसी दे दो मुझे ऐसा मत करो मेरा एग्जाम है मुझे छोड़ दो ए क्या कर रहे हो तुम लोग और तू इसके साथ क्या कर रही है ये सारे के सारे बदमाश है तू जाकर अपने एग्जाम की तैयारी कर अरे रुकना जा तुम लोगों में शर्म नाम की चीज है अरे दसवीं में पढ़ने वाली छोटी बच्ची है वो तुम जैसे लोग कभी नहीं सुधरोगे इडियट्स हमारी बेइज्जती की उसने लड़ेंगे पहले चलो जल्दी चल 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 ए ए ए एक मिनट रुक रुक बोलो ना मैं उससे प्यार करता हूँ वो मुझसे प्यार करती है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है प्यार कैसा प्यार मुझे सब पता है मुझे भी तेरे बारे में पता है तू कहाँ किसके साथ घूमती है इडियट क्या पता तुझे मेरे बारे में ये लोग इसी लायक हैं गलती खुद करते हो और इल्जाम दूसरों पर लगाते हो दोबारा ऐसा कहो ना तो मैं जान से मार डालूंगी क्या बेटी क्या किया इन लोगों ने नहीं नहीं कुछ नहीं बस पर्सनल मैटर था ऐसी कोई बात नहीं है क्या बात है लड़की के साथ झगड़ा क्यों कर रहे हो चलो निकलो यहाँ से एक ही बिल्डिंग में रहते हैं फिर भी झगड़ा करते हैं पढ़ाई छोड़ के बस बाहर ही घूमती रहती हो क्या भैया हाँ मैडम काम हो गया क्या पाँच दस मिनट में हो जाएगा मैडम ठीक है पिंकी तुम यही रहना क्या चाहिए बेटा अंकल मुझे इससे खेलना है मैं ले लूँ हाँ ये लो बेटा पर यही आसपास खेलना बेटा ओके अंकल इस चेन की कीमत कम से कम 10,000 तो होगी बेटा खाना खाया क्या
अब बेटा ये फोन पे सांप वाली गेम कैसे खेलते हैं सिखाओ मुझे। ऐसे खेलते हैं अंकल। अच्छा ऐसा खेलते हैं क्या? अच्छा भैया काम हो गया? हाँ हाँ हो गया मैडम, बस हो गया, आ रहा हूँ। अरे ए जा क्या हुआ इसे? पैसे लिए बिना ही जा रहा है? ये तो पिंकी की चेन है, चोर कहीं का। बेचारी, आज से मैं तुम्हें कभी नहीं भगाऊंगी। यार सच में कल उसने सबके सामने जो किया ना वो सोचकर मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर कोई लड़का होता ना तो वहीं फोड़ देता उसे, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। अरे ऊपर से ये सारे बिल्डिंग वाले सर पे बिठा के नचा रहे हैं उसे, क्योंकि वो है ही नाचने वाली। फिकर मत कर, मौका मिलेगा तब उससे बदला लेंगे। वो मॉडलिंग करती है ना, मॉडलिंग वाली लड़कियाँ क्या क्या करती है सबको पता है ना। वो कौन सी दूध की धुली है? ओए, वो मॉडलिंग करे या कहीं और जाके मुंह काला कराए, आफ्टर ऑल एक लड़की ने थप्पड़ मारा है, सोसाइटी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हम लोग। अरे यार हमने बहुत सी लड़कियां देखी लेकिन इसका तो एटीट्यूड ही अलग है, सबके सामने बेइज्जत कर दिया मुझे। खुद नाचने वाली उस दसवीं की लड़की पे दया क्यों खा रही है? चलना एक प्लान बना के उसे उठाते हैं, तभी उसे अकल आएगी। हम उसे उसकी औकात दिखा के रहेंगे। अरे छोड़ो यार, कल जो हुआ ना उससे मॉम बहुत गुस्से में है, आज फिर पी ली मैंने, मैं चलता हूँ यार। अरे रुक रुक, अरे यार सुनना, कहाँ जा रहा है? तू ऐसा काम क्यों करता है? मैंने कल ही तुझे इतना समझाया था। खाना निकाल के रखा है, जाके खा ले। मैं कमला के घर जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है ठीक है। पता नहीं इस लड़के को कब अकल आएगी। चल चल। सिक्योरिटी, पुलिस को बुलाओ, जल्दी करो। हाँ 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 जी सर। उसके रिपोर्ट ने हमें उलझा रखा है, ये एक प्लान्ड मर्डर है, क्योंकि हमें ना ही कोई एविडेंस और ना कोई फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। आपका बेटा पूरे दिन गौतम के रूम में ही रहता था ना? हाँ सर, उन तीन आवारा लड़कों ने ही मिलकर मेरी बेटी को बिगाड़ दिया था। वो ऐसा पहले बिल्कुल नहीं था सर। आप उन लड़कों से पूछताछ करिए सर, सच सामने आ जाएगा। उस रात कार्तिक तुम्हारे साथ ही था ना?
तुम चारों क्या कर रहे थे? सर, मैं तो उस दिन घर पे टीवी देख रहा था। और तुम? मैं भी साथ में ही था, हम सब साथ में थे सर। क्या तुम लोगों को किसी पे शक है? सर, मुझे शक है सर, हमारी बिल्डिंग में एक मॉडल लड़की रहती है, मुझे तो उसी पर डाउट है, हमारी कभी बनती नहीं थी सर। एक दिन कार्तिक का उससे झगड़ा हुआ तो लड़की ने कहा वो कार्तिक का खून कर देगी। बिल्डिंग में सबने ये बात सुनी है। दुनिया के 120 देशों में धूम मचाने के बाद सीआरआई पंप्स अब आपके लिए ला रहे हैं सीआरआई पाइप्स। अब आप इन पाइप्स को सर कभी शूटिंग नहीं देखी, थोड़ी देर देख के आऊं। आ जाओ। थैंक यू सर। सीआरआई पंप्स के निर्माण के बाद आप ला रहे हैं सीआरआई पाइप्स, अब हाँ, नए पीपीटीएस लॉकिंग सिस्टम के साथ। पीपीटीएस लॉकिंग सिस्टम, इस लाइन को अच्छे से मॉड्यूलेट करके बोलना। ओके ओके सर। मैडम से मिलने पुलिस आई है। इनसे मिलने? जी सर। मुझसे मिलना है? यस मैडम। जाओ मिल लो। सॉरी सर, सिर्फ 2 मिनट। इस शॉट को जरा प्ले करके दिखाना। हेलो सर, बताइए क्या बात है? सॉरी, मुझे आपकी शूटिंग को डिस्टर्ब करना पड़ा। नहीं नहीं, इट्स ओके। अपार्टमेंट में जो मर्डर हुआ था उसके बारे में इंक्वायरी करनी है। सुना है आपने उन लड़कों के साथ झगड़ा किया था? सर, वो लोग आवारा किस्म के लड़के हैं, 10वीं में पढ़ने वाली छोटी सी लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। जब मैंने देखा तो मैंने आवाज उठा दी तो वो लोग मुझसे ही लड़ने लग गए। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने एक थप्पड़ मार दिया। मर्डर वाले दिन आप कहाँ थी? सर एक्चुअली मेरी एक शूट थी आज फिल्म की, तो उसी के लिए मैं चेन्नई में थी। ओके मैडम, अगर इस मर्डर के बारे में आपको कुछ पता चले तो पुलिस को इन्फॉर्म कीजिएगा। गाड़ी निकालो। ओके सर। अरे गाड़ी निकाल।